अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू हॉट पॉट फूड्स यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाए जा रहे हैं बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस से सिंगापुरियन राइस, और स्टेप वाइज हम ये काम करेंगे, तो आपको साथ साथ में हम स्टेप बताते जाएंगे। चलिए आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, 2 टीस्पून हमने नमक ऐड किया था पानी के अंदर, इसको बॉयल कर लिया था। उसके बाद हमने अभी अभी चावल डाल दिए इसके अंदर, और इसको मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे जब तक चावल अच्छे तरीके से पक नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो ये देखें। तो अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये स्पेगेटीज 1 कप ली थी, और इसको हमने बॉयल हुए हुए पानी में डाल दिया था। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला, और इसको उबलते हुए पानी में डाल के हमने इस तरीके से बॉयल कर लेना है। यहाँ पर थर्ड स्टेप में सबसे पहले एक पैन में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो एक छोटे साइज़ की टमाटर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा कुक करेंगे। टमाटर जो है वो हल्का सा कुक हो चुका है, तो इस टाइम पे हम चिकन ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे। गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश गार्लिक पेस्ट। तो इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हम वाइट पेपर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा डाल देंगे। आप इधर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। और 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, तो साथ ही साथ में हम सोया सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम चीनी गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये मुकम्मल कुक नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन में थोड़ा थोड़ा पानी रह गया अभी, और चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसको हिलाते जाएंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। ये हमने इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी थिक सी ग्रेवी बन सके। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने 1 कप इसमें पानी डाला है, और इस तरीके से हमने इसकी ग्रेवी बना ली है। 1 कप पानी डाला था, तो ये इस तरीके से हो गया, तो ये रेडी है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे एक पैन के अंदर। इसके अंदर हम गाजर ऐड कर देंगे। ये हमने 2 दरमियाने साइज़ की गाजर ली थी, उसको हमने जूलियन कट कर लिया, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गाजर का कलर चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर हम टमाटर ऐड कर देंगे, ये भी हमने जूलियन कट किया हुआ है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, साथ ही साथ हम बंद गोभी ऐड कर देंगे, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पर फ्राई हो रही हैं, तो ये देखें इनका कलर चेंज हो चुका है। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, हमने 2 कलर्स की ली थी, 2 दरमियाने साइज़ की, तो ये ऐड कर देंगे ग्रीन और ऑरेंज कलर की। वेजिटेबल्स में 1/2 टीस्पून वाइट पेपर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम स्पेगेटीज ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग मेयो सॉस रेडी कर लेते हैं सिंगापुरियन राइस के ऊपर, जिसकी हम ड्रेसिंग करेंगे। तो ये हमने लिया है 1/2 कप मेयोनीज, तो इसको एक बाउल में डाल लेते हैं। 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम चिली सॉस ऐड करेंगे,
हॉट सॉस और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मेयो सॉस रेडी है, तो इसको आप किसी केचप वाली बॉटल में या पाइपिंग बैग में डाल लें ताकि इजीली हम इस ड्रेसिंग कर सकें। यहाँ पर हमने चावल एक डिश में ले लिए हैं, तो हमने बॉयल कर लिए थे, तो इसके ऊपर हम स्पेगेटीज और वेजिटेबल्स जो हमने बनाई थी वो हम डाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारा फैला के डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने स्पेगेटीज डाली हैं, इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने जो सॉस रेडी की थी वो हम डाल देंगे इस तरीके से इसके ऊपर। इसको हमने पाइपिंग बैग में भर लिया था। लीजिए, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस हमारे सिंगापुरियन राइस बन के रेडी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े के बने हैं और हमने सॉस वगैरह सारी अच्छे तरीके से डाल दी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।